हाँ जी, तो लार्जर मार्केट फॉर्मूला क्या है? शायद आपने इसके बारे में कभी सुना भी ना हो, तो ये क्या है और इससे क्या आपको फ़ायदा होगा एज अ मार्केटर? आज इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है गुरशरण सिंह और आप देख रहे हो इजी डिजिटल मार्केटिंग। तो जो लार्जर मार्केट फॉर्मूला है, इसमें बेसिकली एक पिरामिड बनता है मार्केट साइज़ को डिवाइड करने के लिए फोर कैटेगरीज में। तो ये अमूमन सारी ही इंडस्ट्रीज़ के लिए लागू होता है, बट इसमें क्या होता है अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं मैट्रिक्स के ज़रिए। तो हर इंडस्ट्री में ना यार, सबसे पहले 3% लोग ऐसे होते हैं जो इंस्टेंट बायर्स होते हैं। इंस्टेंट बायर्स का मतलब होता है जो फर्स्ट टाइम में ही आपके ब्रांड से परचेज़ कर लेंगे। और जैसे आप गूगल एड्स देखते हो, न्यूज़पेपर में एड्स देखते हो कि हम ये चीज़ बेच रहे हैं, वो चीज़ बेच रहे हैं, डायरेक्टली सेल्स पिच होती है जिनकी, तो उनसे लोग जल्दी खरीद लेते हैं। ये बेसिकली उन लोगों को टारगेट कर रही होती है एड्स जो बहुत ज़्यादा रिसर्च कर चुके हैं और अब खरीदने के मूड में है कोई स्पेसिफिकली प्रोडक्ट या सर्विस को। तो ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स या मार्केटर्स क्या करते हैं, इनके पीछे ही भागते हैं कि यार ज़्यादा जो है ना इंस्टेंट बायर्स मिलेंगे, फटाफट खरीदेंगे तो हमारी सेल्स बिक्री बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा हमारे प्रॉफिट होगा। बट एक्चुअली नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो अलग कैटेगरीज में आते हैं। तो ये 3% तो हो गए इंस्टेंट बायर्स। अब अगले स्टेप पर चलते हैं। अब 17% लोग जो होते हैं ना, सेकेंड स्टेज पे आ जाते हैं पिरामिड के ऊपर से। सेकेंड स्टेज अगर हम देखें तो वो 17% लोग वो होते हैं जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मोड में होते हैं। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मोड इन द सेंस कि वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, कितने की प्राइसिंग है, और जिसे हम कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स भी बोलते हैं, हम उसे एक्सप्लेन करते हैं इस तरीके से कि कितने की प्राइसिंग है और इस कौन सा मटेरियल से बना है, क्या फ़ायदा देता है, फलाना ढीम। तो ये जो होते हैं 17% होते हैं हर इंडस्ट्री में। अब हम पिरामिड के तीसरे स्टेप पे आते हैं, ऊपर से नीचे, फर्स्ट 3% देन 17% और अब आ जाते हैं 20% पे। 20% लोग वो होते हैं जो प्रॉब्लम अवेयर होते हैं। प्रॉब्लम अवेयर मतलब उन्हें पता है कि यार फॉर एग्जांपल मेरे को ना इधर से अपनी जॉब से घर जाने और घर से जॉब तक जाने के लिए प्रॉब्लम है, मैं बाइक लेना चाहता हूँ। और पर उन्हें बेसिकली ये नहीं पता कि कौन सी बाइक लें, है ना, कौन सी बाइक कहाँ से मिलेगी, सस्ती क्या होती है, ये फलाना ढीम क्या, उसकी इंश्योरेंस होगी, किस्तें कैसे कराएं, फलाना ढीम, ये सब चीज़ें नहीं पता। बट वो प्रॉब्लम अवेयर है कि यार मेरे को जॉब से घर जाना है, घर से जॉब जाना है, ट्रैवलिंग के लिए बस मेट्रो पकड़ता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है, तो अगर मेरी खुद की गाड़ी हो या बाइक हो तो मेरे को ईजी हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम अवेयर होते हैं। ऐसे बंदों को प्रोडक्ट और सर्विस अभी पता नहीं है कौन सी लेनी है, बट वो प्रॉब्लम अवेयर होते हैं। अब बाकी जो 60% बचते हैं, वो बचते हैं यार वो बंदे जो नॉट प्रॉब्लम अवेयर है। नॉट प्रॉब्लम अवेयर इन द सेंस जिन्हें पता ही नहीं है उनकी प्रॉब्लम क्या है, बट अगर आप उन्हें नर्चर करो, उन्हें प्रॉब्लम का एहसास दिलाओ, देन आप उन्हें बताओ उनके लिए आपका प्रोडक्ट या सर्विस कैसे सॉल्यूशन बन सकता है, उन्हें क्या फ़ायदा होगा, तो अभी वो कहाँ है, बाद में कहाँ पे होंगे, इस तरीके से जब आप उन्हें एहसास दिलाते हो नर्चर प्रोसेस से, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी आपसे खरीदेंगे, वो भी आपके कस्टमर बनेंगे। बेसिकली अगर 3-4 सेगमेंट्स में ईजी करके समराइज़ करके बताया जाए तो ये होता है। 3% लोग जो अभी खरीदना चाहते हैं, बहुत रिसर्च करके आ चुके हैं, सब उनके पीछे भागते हैं। 17% इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मोड में, वो भी कन्वर्ट होने वाले हैं। अगर आप उन्हें बताओगे कि ये चीज़ आपकी अच्छी है तो वो खरीद लेंगे, बट थोड़ा नर्चर करना पड़ेगा। 20% लोग वो होते हैं जो स्टिल प्रॉब्लम के अवेयर हैं, बट वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मोड में नहीं है। उन्हें नहीं पता कि क्या किस्त करानी है, क्या मटेरियल से बनी है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस या कुछ भी। तो आपको उनको और नर्चर करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस के बारे में एजुकेट करना पड़ेगा, इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग इसी तरीके से बनी। और 60% लोग वो होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम ही नहीं पता, तो उन्हें आप प्रॉब्लम बता सकते हो और तरह तरह की प्रॉब्लम एक्सप्लेन अपनी इंडस्ट्री के अंदर बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं, देन उनका सोल्यूशन क्या है और आपका प्रोडक्ट सर्विस उनके लिए कैसे अच्छा है। तो ये जो 4 पार्ट्स में, कैटेगरीज में आपका पिरामिड डिवाइड होता है, अगर आप इसे समझ जाओ तो आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा जो आपको आपका करियर एनहेंस करने में मदद करेंगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में मदद करेंगे। साथ ही अगर आप मुझसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल लिंक फॉर्म होगा, डिजिटल हॉक करके उसका कोर्स का नाम है, तो जिसमें मैं यूट्यूब SEO और नॉर्मल SEO, लोकल SEO और इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, और आपको
थोड़ा सा ओवरव्यू एफिलिएट मार्केटिंग का दूंगा, तो जो जो है उसमें वो सब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या है। एक लैंडिंग पेज जो भी प्रिपेयर हो रहा है मेरा, देन जैसे ही वो प्रिपेयर होता है तो आप अगर अभी डिटेल्स और चाहते हो तो मैं अभी आपको डिटेल्स दे सकता हूँ, आप वो फॉर्म फिल कर सकते हो। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।